चुनावी बेला है, बीजेपी और कांग्रेस की तैयारियां भी जोर शोर से चल रही है, लेकिन अब मध्य प्रदेश की सियासत में तीसरे मोर्चे पर ओवैसी की पार्टी की एंट्री होने वाली है। तो क्या यह तीसरा मोर्चा और ओवैसी की पार्टी भाजपा और कांग्रेस द्वारा लगाए जा रहे एड़ी चोटी के दम को लेकर कुछ खेल बिगाड़ने का काम करेगी? चुनाव में AIMIM की एंट्री से बदलेगा खेल, कांग्रेस के वोट में सेंध लगाने की तैयारी, किसे होगा फायदा, किसका होगा नुकसान? प्रदेश में चुनावी बिसात बिछ गई है, बीजेपी सत्ता दोहराने की तैयारी कर रही है तो कांग्रेस को सत्ता में वापसी का इंतजार है। लेकिन अब सत्ता की कुर्सी के बीच एक दीवार खड़ी होने जा रही है। ये दीवार है AIMIM की, जो कांग्रेस और बीजेपी का खेल बिगाड़ने के लिए तैयार है। ओवैसी की पार्टी का दावा है कि वो 50 सीटों पर इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेगी, वहीं अन्य सीटों पर तीसरे मोर्चे के सहयोगी दलों के साथ किला भेदने की तैयारी में है। AIMIM के नेता तो साफ कहते हैं कि कांग्रेस को वोट देना यानी बीजेपी को वोट देने के बराबर है, क्योंकि कांग्रेस के नेता जीतकर तो जाएंगे बीजेपी में ही। मध्य प्रदेश में आने वाले विधानसभा चुनाव में हर हाल में 50 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, ये हमारी अभी तैयारी है, जिसमें से हमने अभी 33 सीटों को चिन्हित किया है, जिसपे सर्वे कराया गया है हमारे अपने कार्यकर्ताओं द्वारा। जो सीटें अभी 33 है उसमें तो लगभग फाइनल है, बाकी के सीटों को भी हम लोग देख रहे हैं, 50 पर हम चुनाव लड़ेंगे। तो क्या ये मान लिया जाए कि AIMIM की प्रदेश की सियासत में एंट्री से कांग्रेस और बीजेपी का नुकसान होने वाला है? हालांकि बीजेपी तो इस बात से इनकार करती है और AIMIM को कांग्रेस की बी टीम बताती है। बीजेपी का तो साफ कहना है कि कांग्रेस AIMIM की एंट्री करवाकर कितनी भी रणनीति बना ले, बीजेपी के किले को भेद नहीं पाएगी। कांग्रेस की बी टीम है, कांग्रेस की रणनीति है, कहीं ना कहीं कांग्रेस के जिस तरह के नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं, दिग्विजय सिंह कह रहे हैं मुस्लिमों की जनसंख्या कम हो रही, कमलनाथ जी छिंदवाड़ा में रोजा इफ्तार में जाते हैं तो वहां लोगों को दंगे का भय दिखाते हैं और ये मुद्दों से भटकाने वाला चुनाव करते हैं, इसलिए ओवैसी की एंट्री करा रहे हैं। किसी की भी एंट्री हो जाए, भाजपा की विजय तय है, भाजपा की महाविजय तय है, 2/3 बहुमत से हमारी सरकार बनेगी, किसी के आने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो क्या ये मान लिया जाए कि ओवैसी की पार्टी के मैदान में आने से कांग्रेस के लिए सत्ता की राह कठिन होने वाली है? हालांकि कांग्रेस के अपने दावे हैं, वो कमलनाथ के वचन पत्र और 15 महीने की उपलब्धि को लेकर जनता के बीच जाने की तैयारी में है, लेकिन क्या ये वचन पत्र और 15 महीने की उपलब्धि कांग्रेस को सत्ता की चाबी दिला पाएगी या फिर AIMIM की एंट्री इस चाबी से दूर कर देगी? देखिए, कहीं कोई नुकसान की बात नहीं है, हम जा रहे हैं कमलनाथ जी के वचनों के ऊपर, हम जा रहे हैं 15 महीने की उपलब्धियों को लेकर, और हमें पूरा विश्वास है कि जिस तरह से संगठन का ढांचा कमलनाथ जी ने पूरे प्रदेश में खड़ा किया है, मंडल सेक्टर बूथ और खास तौर से एक एक कार्यकर्ता को वो टच कर रहे हैं, तो हमारे कार्यकर्ताओं पर हमें पूरा भरोसा है, हमें किसी से डर नहीं है, कोई चुनाव लड़ ले कांग्रेस की सरकार 2023 में बनने जा रही है। खैर, सभी पार्टियों के अपने अपने दावे हैं, बहरहाल देखना यह होगा कि तीसरे मोर्चे और अलग अलग सामाजिक संगठनों की प्रेशर पॉलिटिक्स को बीजेपी और कांग्रेस कैसे डील करती है और आगामी चुनाव के लिए जीत का फॉर्मूला निकाल पाती है या नहीं। न्यूज 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे की रिपोर्ट। और यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।